नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भारत में निर्मित पहला मेड इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट देखा है? क्या आपने विंग कमांडर अभिनंदन के द्वारा यूज किया हुआ MiG-21 नजदीक से देखा है? आइए मेरे साथ, मैं हूँ आपका हॉस्टल दोस्त रोहित, और हमारे यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो में आइए हम चलते हैं न्यू दिल्ली के एयरफोर्स म्यूजियम में। दोस्तों, म्यूजियम में प्रवेश करते ही हमें दिखेगा भारतीय वायुसेना का यह युद्ध स्मारक। अपने युद्ध कौशल से आसमान में भी तिरंगा लहराने के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए शहादत पाने वाले वीरों को आइए हम प्रणाम करते हैं। यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम एंटर करेंगे एयरफोर्स के इस हैंगर में। हैंगर जनरली एयरफोर्स पर फाइटर एयरक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से पार्क करने के लिए बनाया जाता है, और इसीलिए यहां पर भी इस म्यूजियम को हैंगर के फॉर्म में बनाया गया है। यहां पर जनरली उन विमानों को रखा गया है जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, और साथ ही में कुछ ऐसे विमान भी रखे हैं जो अपना खास ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। दोस्तों, इस म्यूजियम को देखते ही ना सच में हमारे अंदर एक गर्व की अनुभूति होने लगती है। तो आइए अब हम जानते हैं यहाँ पर रखे हुए कुछ विमानों के बारे में। शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना के सबसे पहले विमान से। यह है वापिति। 1932 में जब भारतीय वायुसेना का गठन हुआ, ये उन शुरुआती दिनों में इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों में से एक है। इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस और पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। टेक्निकल कैपेबिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही भारतीय वायुसेना में यह विमान उन दिनों काफी अहमियत रखता था। अब हम चलते हैं भारत के सबसे पहले मेड इन इंडिया फाइटर जेट की ओर। यह है HF-24 मरुत। इसका निर्माण 1961 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा किया गया था, और इसके चलते ही भारत फाइटर जेट उड़ाने वाला सबसे पहला एशियाई देश बना। इसके पीछे है मेड इन यूके हंटर। 1971 के युद्ध में राजस्थान के लोंगेवाला में हंटर विमानों ने मरुत के साथ मिलकर ऐसा तो कोहराम मचाया कि पाकिस्तान के 45 टैंक्स और 600 से ज्यादा ट्रक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स वहीं के वहीं कबाड़ा बन के रह गए। आइए अब मिलते हैं 1971 के वॉर हीरो और एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों से। आज तक भारत में केवल 21 वीरों को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, उनमें से 20 तो सिर्फ आर्मी के योद्धाओं को ही मिले हैं। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों एकमात्र ऐसे ऑफिसर है जिन्होंने वायुसेना के लिए परमवीर चक्र पाया है। बात है श्रीनगर एयरबेस की, जब पाकिस्तान ने उन दिनों के लेटेस्ट माने जाने वाले सैबर जेट से श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। उस वक्त निर्मलजीत सिंह ने अपने छोटे से नेट एयरक्राफ्ट से उड़ान भरकर दो सैबर जेट को मार गिराया, परंतु आगे चल के वॉर में और सैबर जेटों के आ जाने से और एक साथ सबके हमला करने से निर्मलजीत सिंह सैकड़ों शहीद हो गए। उन्हें अपने इस अप्रतिम शौर्य प्रदर्शन के चलते मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यहां हम देख सकते हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों और उनका नेट एयरक्राफ्ट। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ जापान का कामिकाजी एयरक्राफ्ट। यह विमान टेक ऑफ तो कर सकता था, पर इसमें लैंडिंग की सुविधा नहीं होती थी, यानी कि एक तरह से यह सुसाइड एयरक्राफ्ट था। टेक ऑफ के बाद और दुश्मनों पर हमला करने के बाद पायलट इस विमान को या तो दुश्मन के किसी प्लेन से या तो कोई ऑब्जेक्ट से टकरा कर खुद शहीद होकर दुश्मनों को तगड़ा नुकसान पहुंचाता था। जापान ने World War II के दौरान US के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर इसी प्लेन से हमला किया था, और 250 से ज्यादा शिप्स को या तो डुबा दिए थे या तो नाकाम कर दिए थे, और यही हमला आगे चलकर जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक का कारण बना था।
आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेड इन यूके स्पिटफायर। वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर एयर अटैक कर दिया था उस वक्त स्पिटफायर हीरो बनकर सामने आया था और बैटल ऑफ ब्रिटेन में हिटलर के जर्मनी पर कोहरा मचा दिया था। इसी की बदौलत ब्रिटेन को जर्मनी का हमला नाकाम करने में मदद मिली। वर्ल्ड वॉर टू के इस हीरो को नजदीक से देखना भी कोई बड़े मौके से कम नहीं। स्पिटफायर के बाद अब चलते हैं MiG-21 की ओर। 1961 में सोवियत रशिया से परचेज करने के बाद आज तक ये विमान भारतीय वायुसेना में शान से अपनी सेवा दे रहा है। MiG-21 को देखकर हमें विंग कमांडर अभिनंदन की याद आए बिना नहीं रहती। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी उस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन भी अपने MiG-21 के साथ उसमें शामिल थे और ऐसे ही एक MiG-21 से उन्होंने डॉग फाइट में पाकिस्तान के मेड इन यूएस F-16 को मार गिराया था। उनके इसी पराक्रम के चलते उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अब हम चलते हैं इस हैंगर के बाहर। यहाँ पर है ब्रिटेन का फर्स्ट जेट पावर्ड मीडियम बॉम्बर एयरक्राफ्ट कैनबरा। इस एयरक्राफ्ट का काम रहता था दुश्मनों के ग्राउंड और नेवल टारगेट्स पर बॉम्बार्डिंग करना, जैसे कि 1961 में जब गोवा दीव और दमन को पोर्टुगल के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय प्लान किया गया उस वक्त कैनबरा ने गोवा के डेबोलिन एयरपोर्ट और दीव के एयरपोर्ट पर ऐसी तो बॉम्बार्डिंग करी कि वहाँ पर पोर्टुगीज एयरक्राफ्ट के मौजूद होने के बावजूद भी वे उड़ने के काबिल ना रहे और इस प्रकार एक तरह से कैनबरा ने भारतीय सेना को एयर अटैक के खतरों से बचा लिया और फिर भारतीय सेना ने एयर अटैक के डर को छोड़ के आसानी से इन प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, इन सब एयरक्राफ्ट्स के अलावा यहाँ पर MiG-23, MiG-24, सुखोई, वैम्पायर जैसे कई और एयरक्राफ्ट भी रखे हुए हैं। उनके सिवाय यहाँ पर एंटोनोव 12, तुपलो 24 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और MI-24 जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ की छोटी सी गैलरी में वायुसेना के रैंक्स के बारे में, उनकी यूनिफॉर्म के बारे में और उनके अवार्ड्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। म्यूजियम के एक हिस्से में 1971 के वॉर में वॉर ट्रॉफीज के रूप में कब्जा किए गए पाकिस्तान के टैंक्स और व्हीकल भी डिस्प्ले किए गए हैं। उनकी टूटी फूटी हालत देखकर यहाँ की टैगलाइन इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था, हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। ये जगह सिटी से दूर एयरपोर्ट के पास है, इसलिए दिल्ली आने वाले लोग जनरली इसे अपनी विजिट में शामिल नहीं करते हैं, परंतु यहाँ आने के बाद ये जगह सच में अलग ही अनुभूति कराती है और बार बार उसकी विजिट करने के लिए आपको अट्रैक्ट करती है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त जॉय आपसे विदा लेता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। जल्द ही मिलते हैं दूसरी ऐसी एक्साइटिंग जगह पर, तब तक के लिए गुड बाय।